लंबी बाइक राइड हो और कंफर्टेबल ना हो तो क्या फ़ायदा कि आप एक ऐसी लोकेशन पे पहुंचे हैं और वहां पे आप एंजॉय नहीं कर सक रहे। आप कमर लेके बैठ गए हैं ड्यूरिंग राइड, आपके पापे वावा दुखे हैं। मेरे पास ना ये प्रीवियस जो मैंने कश्मीर टूर किया उस बाइक के ऊपर ये एयर कुशन लगाया था, इसने मुझे इतना जलील किया। इसके अंदर बेसिकली इन सब बबल्स के अंदर हवा बढ़ी जाती थी और इसमें कब कोई लीकेज आ गई थी और लीकेज की वजह से मुझे डेली इसके अंदर ना पंप के थ्रू हवा भरनी पड़ती थी और मेरे जितने मेट्स होते थे ना साथ वो आगे जा चुके होते थे। सो मैं से बड़ा तंग था और फिर मैंने इस तंगी की वजह से ना एक एयर कुशन ऑर्डर किया और ये बेसिकली एयर कुशन नहीं है, ये है जी शॉक अब्जर्विंग कुशन। अली एक्सप्रेस से मैंने मंगवाया है ब्लैक फ्राइडे सेल में, तकरीबन 5,000 रुपये या 4,500 रुपये तक कॉस्ट किया था और काफ़ी अच्छा इन्होंने ये पैक किया। इसको खोलते हैं, इसके अंदर अब हवा का चक्कर ही नहीं है, इसमें ये हनीकॉम का टेक्सचर है, बिल्कुल ये शॉक अब्जर्विंग है। देखने में तो बज़ाहिर कंफर्टेबल लग रहा है लेकिन अब आज की बाइक राइड में पता लगेगा जो वीकन राइड है कि ये कितना कंफर्टेबल है, हमारी इन फ्यूचर जो लॉन्ग टूर्स होने हैं उसमें ये कंफर्ट दे सकता है कि नहीं। और अभी इसको लगाते हैं जी बाइक पे, बिल्कुल एक जैसे वो घोड़े की काठी नहीं होती उस तरह का बना हुआ है, तो अभी इसको इस तरह करके बाइक पर लगाएंगे और ड्यूरिंग बाइक राइड फिर मैं आपको इसके कंफर्ट के बारे में बताऊंगा। आज हम चलेंगे जी जेल रोड और गुलबर्ग, तो निकालते अपनी बाइक रेडी करते हैं और चलते हैं। सुभान अल्लाह जी सखरलना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनकलिबून। अब मैं आज की जो वीकेंड राइड है ना, जो कि इवनिंग राइड हो चुकी है, वो मैं निकला हूँ जी नैरो नहर और कुशन का कंफर्ट देखते हैं। अभी तो बज़ाहिर मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि जो बाइक की अपनी सीट है उसकी कोशिश होने वाली है वो बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। सो ये जो कुशन है ना, इसने समझ लें कि ज़िंदगी वापस दे दी है। नहर जो है ये मेरा फेवरेट रूट होता है क्योंकि सिग्नल फ्री है, कोई ऐसा नहीं होता कि ट्रैफिक में फंसना है। सर्दी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है हालांकि मैंने जैकेट पहनी हुई है। और अभी आया जी जेल रोड का अंडरपास, इधर से एग्ज़िट लेके ऊपर से जाएंगे और सामने खड़े हैं जी ट्रैफिक वार्डन, फुल टाइम हो रहे हैं, चलान किसी को नहीं बख्श रहे, बेशक हेलमेट पहनना है या नहीं पहनना। और इधर भी आप देख सकते हैं, सो कम से कम लर्नर लाइसेंस ज़रूर बनवाएं क्योंकि सख्ती काफ़ी ज़्यादा हुई है। वही DHA वाला वाक्या, खिदमत मरकज़ है ना जहाँ पे ये लर्नर लाइसेंस या लाइसेंस बनते हैं, उनकी तादाद काफ़ी कम है लाहौर में और बनाने वाली तादाद बहुत ज़्यादा है, मतलब आवाम बहुत ज़्यादा जिन्होंने बनवाने हैं अभी लाइसेंस। सो बजाय ये भी अच्छा एक इनिशिएटिव है कि इसको इम्प्रूव कर रहे हैं हर खिदमत मरकज़ को, लेकिन इनको खिदमत मरकज़ की क्वांटिटी पे गौर करना चाहिए ताकि लोग मिनिमम रश में इजीली बना लें, क्योंकि लोगों की जान ही इसी वजह से जाती है इस खजल खुआरी में। अपना जो कुशन है वो जो शॉक ऑब्जर्विंग है बहुत ही लेवल का है। मैं कहता हूँ कि मैंने अभी सिर्फ 5 मिनट राइड की है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही हवा में हूँ, टू मच कंफर्टेबल। ये जी सिद्दीक ट्रेड सेंटर, यहाँ से हम जाएंगे जी मेन बॉलीवुड। यहाँ पे थोड़ी बहुत ही ट्रैफिक मिल जाती है। प्रीवियस वीडियो में टोटल गाड़ी की मेंटेनेंस ही शामिल थी, क्योंकि मुझे इस वजह से याद आया क्योंकि मैं इस वक्त गाड़ियों में मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, तो मुझे अपनी गाड़ी याद आ गई कि पिछले हफ्ते मैंने उसकी सारी मेंटेनेंस करवाई है, जिसकी कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। उससे पिछली वीडियो थी जी कामरान की 12 दरी पे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाके आप कामरान की 12 दरी की वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, एक डॉक्यूमेंट्री व्लॉग था, ड्रोन शॉट्स वगैरह सब कुछ शामिल था। जो बाइक का कुशन था मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल साबित हुआ, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब लॉन्ग टूर्स में ये काफ़ी अच्छा साथ दे देगा। और अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को करें जी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं जी आपसे मज़ेदार किस्म की नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।